हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बिनो फैशन एंड क्राफ्ट हाउस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए स्पेशल आइडियाज़ लेके आए हैं, वीडियो नहीं कहूँगी, आइडियाज़ लेके आए हैं। हाँ जी, मैं स्पेशली ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जो घर बैठे कमाना चाहती हैं, घर बैठे अपने टैलेंट को दिखाना चाहती हैं, अपने टैलेंट अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा टाइम देना चाहती हैं, अपने ड्रीम्स को टाइम देना चाहती हैं, जो चीज़ छोड़ चुकी हैं वो फिर से स्टार्ट करना चाहती हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। आधे सोचते हैं कि घर बैठे बाहर कैसे जाएंगे, कोई जाने भी देगा या नहीं, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं एक लेडीज के अंदर, और इस इन्हीं उलझनों में फंस के रह जाती है और वो कुछ नहीं, थोड़ा करने से थोड़ा पीछे हट जाती है। तो चलिए, आज आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। मैं कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर मैं आपकी किसी अदर तरीके से कुछ हेल्प अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप को सिलाई से रिलेटेड कुछ भी आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ भी आपको सीखना है बिना किसी कॉस्ट के या बिना किसी झिझक के आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फेसबुक का लिंक शेयर किया है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया है, तो आप मुझे बेझिझक सिलाई से रिलेटेड कोई कुछ भी या अदर टॉपिक से रिलेटेड जिससे आपको फ़ायदा हो थोड़ा सिलाई से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ मुझे अपनी प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर सकती हूँ। साथ ही आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ, जो आज टॉपिक है वो ये है कि हम घर बैठे किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन को अपना अच्छे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली की। ये उन्हीं लेडीज़ के लिए है जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, या अगर हम करेंगे हमारा वो चल भी पाएगा या नहीं है, समथिंग बहुत से सवाल होते हैं मन में, तो मैं उन्हीं का ही सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आइडिया मैं आज शेयर करने वाली हूँ इसके लिए आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सिलाई मशीन हर किसी के घर में होती है और हर किसी को चलाना आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज की सबको पता होती है, और आजकल वैसे भी ऑनलाइन हर चीज़ नेट से आप हर चीज़ सीख सकते हैं, तो आपकी बस आपके अंदर सीखने की एक चाह होनी चाहिए, सीखने का एक मोटिव होना चाहिए, आप हर चीज़ सीख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने तरीके होते हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हैं अगर आपको सिलाई आती है, अदरवाइज आपको सिलाई नहीं आती तो नीचे मैंने बताया है कि मैंने लिंक शेयर किया है अपना इंस्टाग्राम फेसबुक का, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करा सकती हूँ स्टिचिंग की, आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फ्री क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही अदरवाइज अगर आपको स्टिचिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप घर पर ट्राई कीजिएगा, पहले खुद के कपड़ों पर ट्राई कीजिएगा, और जहाँ भी आप को कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ का तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपकी सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी और आपके कमेंट का रिप्लाई भी। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम घर बैठे किस तरीके से कमा सकते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है जो मैं बताना चाहती हूँ नॉर्मल वो ही है जो हम सिंपल सिलाई करते हैं, सूट और सलवार नॉर्मली जो नॉर्मल लेडीज़ पहनते हैं, और आप सलवार भी नहीं नॉर्मल कुर्ता आप स्टिच करना सीखें, सबसे पहले आप सूट और सलवार सूट स्टिच करना सीखिए सिंपल तरीके से, और आप उसकी सिंपल कुर्ती जो है सिल सकती हैं। सिलने के बाद आप जो आपके अभी सोचोगे कि दूसरा क्यों आएगा हम सिलाने के लिए, तो दूसरा इस तरीके से आएगा जैसे नियर बाय आपके जो भी चार्जेस प्राइस चल रहे हैं स्टिचिंग के सिलाई के आप उससे थोड़ा सा कम कर दें, यानी कि अगर आप उसके इक्वल लोगे तो दूसरा आपके पास क्यों आएगा बताइए, जब उसे इतने पैसों में उसके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी सिलाई मिल रही है। दूसरा ये है कि आप अपने पैसे को मतलब उनके चार्ज से थोड़ा सा कम कर दीजिए, इससे क्या होगा देखो जब भी कपड़े की बात आती है तो हर कोई ये सोचता है कि यार हम पैसे भी देंगे और हमें पता नहीं है कि वो अच्छा सिलेगा या नहीं तो हम क्यों कराएं, नॉर्मली ये रहता है, तो अगर आप अपने प्राइस को थोड़ा सा कम कर देंगे तो लोग आपके पास आएंगे सिलवाने के लिए और वो ये कहेंगे हम पहले सिलवा के देखते हैं, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आगे आपसे ही सिलाएंगे। बस उन्हें क्या चाहिए होती है कि उन्हें बेस्ट क्वालिटी चाहिए होती है सिलाई की, अच्छा सा आप उसको सिल के दीजिएगा अच्छे उस पर रिजनेबल प्राइस पे। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अब नवरात्रों की पूजा शुरू हो जाएगी, नवरात्रि का फेस्टिवल शुरू हो जाएगा और हर कोई अपने माता रानी को नए नए ड्रेस
लाता है मार्केट से, तो आप अपने घर बैठे भी फैब्रिक, आप नॉर्मल हर किसी के पास ये छोटा मोटा फैब्रिक बच जाता है, अगर किसी के पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, ज़्यादा इसमें फैब्रिक नहीं लगता है, नॉर्मल आप मार्केट से ला सकते हो और इस तरह की ड्रेस रेडी कर सकते हो, और ये भी लेस वगैरह ला सकते हो। ये मेरे पास फैब्रिक बचा था लेकिन मैंने लेस वगैरह ये सब मार्केट से लिए और इस तरह से मैंने ये ड्रेस रेडी किया। ऐसी बहुत सी ड्रेसेस हैं जो हम रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली भी ड्रेस रेडी की है इस तरह से, इसे आप लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं इस तरह से। हाँ जी, तो इस तरह की आप ड्रेस सिल सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना सकते हो घर पे, और उन्हें रिजनेबल प्राइस पर आप अपनी बहुत सी आस पड़ोस की लेडीज होती हैं जो जिनके पास कॉस्मेटिक का सामान से उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें नॉर्मल प्राइस से, उन्हें मार्केट प्राइस से थोड़ा कम प्राइस पर उनको सेल करा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा जो होती हैं वो होती है बच्चों के जो कपड़े सिलते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा इशू यही होता है कि जो मार्केट से कपड़े करते हैं तो बच्चे नहीं पहन पाते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, और हर कोई पेरेंट्स परेशान होता है बच्चों के कपड़ों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े बच्चों के मिलते हैं आज के टाइम पे, और फिर उसमें भी बच्चे परेशान होते हैं, आधी चीज़ तो आधे कपड़े तो उनके ऐसे ही रखे रहते हैं। तो आप बच्चों के कपड़े भी सिल सकते हैं, बच्चों के कपड़े भी सिलना सीख सकते हैं नेट से, और फिर आप घर बैठे उन्हें सिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज होती हैं जो घर बैठे काम देती हैं, जैसे कि पर्दे वगैरह का आप वो सिलाई वगैरह भी कराती हैं, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है किसी भी टेलर के पास या किसी भी जिसको सिलाई आती है उसके पास, एक से दो महीने भी अगर आप उसके साथ काम कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और साथ ही वहाँ से आपको कस्टमर भी मिल जाएंगे, साथ में आपको डील करना भी आ जाएगा कस्टमर के। इसके अलावा आपके पास बहुत से आइडियाज़ हैं, जैसे कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए हैं। जो पहली फ़ोटो है वो जो है वो ये डोरमेट है जिसको हम बोलते हैं पायदान घर में, जो ये वेस्ट कपड़े से बनता है, ये आप या तो उनसे ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास वेस्ट कपड़ा है तो आप खुद से भी ये बना सकते हैं। ऑनलाइन मैंने बताया है, मैं ऑनलाइन इनकी वीडियोज़ नेट से मिल जाएंगी, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इन टॉपिक से रिलेटेड आगे वीडियोज़ बनाऊंगी। साथ ही जो नीचे नेक्स्ट फोटो दिख रहा है वो जो है वो हैंडबैग जो होते हैं, जो घर पे हम परेशान होते हैं जब कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी होते हैं, तो मोस्टली हम हमारे नॉर्मल जो लोग होते हैं वो जो कपड़े के बैग हैं वो ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप नेट से बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो एक दो कुछ फ़ोटोज़ हैं खुद से मैंने बनाए हुए हैं, जो आप फैंसी कुछ अलग सा डिज़ाइन क्रिएट करके और फैंसी डिज़ाइन में बैग बना सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जो है आप लटकन भी बना सकते हैं, कुछ आइडियाज़ हैं। ये मैं नॉर्मली अपने डिज़ाइन जब बनाती हूँ तब इस तरह की लटकन बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभार आइडियाज़ मेरे माइंड में आते हैं कि क्यों ना हम इस तरह की लटकन बनाकर और फिर उनको सेल करें, क्योंकि नॉर्मली अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे तो ये बहुत महंगी पड़ जाती हैं, और साथ ही इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, नॉर्मल में रेट पे आप इनको सेल भी कर सकते हो। तो इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आप नेट से भी देख सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगी। आप सोचेगा कि ये सबसे पहले आप सोचेगा कि आप किस चीज़ को इंटरेस्ट करेंगे, किस चीज़ में आप बेस्ट कर सकते हैं, तो आप अपने हर टॉपिक को देखेगा, अपने आसपास के एरिया को देखेगा कि वहाँ किस तरह की डिमांड है, किस चीज़ों की ज़्यादा है, तो आप उसी हिसाब से अपने सिलाई से रिलेटेड या फिर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वहाँ कर सकते हैं। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। साथ ही अगर आपको कुछ और अदर हेल्प चाहिए या आपको कुछ आइडिया है लेकिन आपको आपके माइंड में कुछ आइडिया है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से स्टार्ट करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा तरीका और उससे रिलेटेड जानकारी जितना भी मुझ पर हो सकी है मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊँगी। तो आप स्टार्ट कीजिएगा, कहीं आप डरे ना, कहीं भी अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड बटन दिया है आप अपने वहाँ प्रेस कर सकते हैं, ऐसे टिक कर सकते हैं बेल आइकन को, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आगे अपने टॉपिक को